पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाहपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह लोजपा नेता निरंजन कुमार के द्वारा रविवार को गरीब गुरबों के बीच भीषण ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुखिया रिंकू देवी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भीषण ठंड में गरीब गुरबों लोगों में अपने प्रतिनिधि से बहुत उम्मीद रहती है। ऐसे में जन प्रतिनिधि होने के नाते ऐसे लोगों का ख्याल रखना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि नेताओं के द्वारा सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गरीब गुरबों के बीच पहुँचते हैं। इसके पश्चात गरीब गुरबों के वोट से राजनीति में अच्छे मुकाम पर पहुँच कर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मैंने सरकार के स्तर से सहयोग नहीं मिलने के बावजूद अपनी निजी कोष से पंचायत के लाचार वृद्ध विज्ञान एवं विधवाओं को समय समय पर किसी न किसी रूप में सहयोग करने का निर्णय लिया है। उक्त कड़ी में पिछले साल भी ऐसे वृद्ध विकलांग एवं विधवाओं के बीच भीषण ठंड से बचने के लिए 2000 कंबल वितरण किया था। पुनः इस साल भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर 2 से 3 हजार लोगों के बीच कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अपनी आवासीय प्रांगण में पहले दिन लगभग 1500 लोगों के बीच कंबल वितरण किया, जिसमें हर एक समुदाय के लोग शामिल थे। कंबल वितरण के क्रम में लोजपा नेता राजेश कुमार, नीरज कुमार, उप मुखिया कृष्ण कुमार, वार्ड कमिश्नर जसीम अंसारी, संतोष यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए चेरिया बरियारपुर से कुमार गौरव की रिपोर्ट। मुखिया जी वो हम लोग कमल रुके ना बैठ बैठो कुछ बोले नहीं थे आवाज बोलेगा